यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी के मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। ठीक है, जो सबसे पहला वीडियो है उसे देखना बहुत ज़रूरी है। ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको कैसे लेना चाहिए। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मेन्स एग्जामिनेशन में, क्योंकि लगभग 500 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में, और पीसीएस में तो 800 मार्क्स। यूपीपीसीएस की बात करूँ तो 400 मार्क्स के दो ऑप्शनल सब्जेक्ट वहाँ लेने पड़ते हैं। कहीं कहीं पे ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिए गए हैं, जैसे कि एमपीपीसीएस में, ठीक है, और झारखंड पीसीएस में भी शायद। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट अब धीरे धीरे खत्म भी किए जा रहे हैं बहुत जगह पर। यूपीएससी में भी ये अफवाह, मार्केट में अफवाह चलती रहती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अफवाह, मार्केट पर विश्वास नहीं करना आप लोग। और एक प्रशासक बनने की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासक का काम क्या होता है? प्रशासक तभी कार्य किसी चीज़ का एक्शन लेता है जब तक उसे उस चीज़ की ऑफिशियल जानकारी ना हो, ठीक है। ऐसे अफवाह पे यदि आप काम करने लग जाएंगे तो रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। अफवाह मार्केट में सब चलता रहता है साइड में, ये काम ही है उसका, ठीक है। कोई कहेगा एग्जाम तब होगा, कोई कहेगा कुछ होगा। अभी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में है, दो ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीपीसीएस में है, बाकी अदर पीसीएस में आप देख लीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है या नहीं। कहीं पर ऑप्शनल सब्जेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जब यूपीएससी में खत्म हो जाएगा, ऑफिशियली आ जाएगा, उसी दिन से नहीं पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। तो अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी भूमिका ऑप्शनल सब्जेक्ट की, इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली सूचना, ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी द्वारा दी गई लिस्ट के में से ही एक को आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होगा। यूपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट होती है, उसी लिस्ट से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं, अन्यथा बाहर, उसके बाहर जाकर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चुन सकते। पहली बात तो आपको देख लेना है, जिस भी आयोग का आप किसी भी यूपीपीसीएस का भी देख रहे हैं तो उसकी भी लिस्ट दी गई ऑप्शनल की, उन्हीं में से कोई एक चुनेंगे। और वो भी ऑप्शनल चुनने का एक तरीका बताते हैं कि जैसे सोशल वर्क है, सोशल वर्क के साथ सोशियोलॉजी एक साथ नहीं चुन सकते इनको, ठीक है, अलग अलग चुनना पड़ेगा। तो जैसे उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन हो उसी तरीके से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। पहली बार इस चीज़ को आपको नोटिफिकेशन में जाके पढ़ना होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के चुनाव के लिए। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। किसी का बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेडिकल लाइन से है, कोई IITians है, ठीक है, कोई जो है BSc करके आया है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सुनने में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी रुचि की होनी चाहिए, इंटरेस्ट की होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको जिसमें ज़्यादा मज़ा आता हो उसी को ले लीजिए। चाहे आपको हिंदी साहित्य पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, हिंदी ले लीजिए। आपको जो लिटरेचर पढ़ने में आ रहा है मज़ा, यदि ऑप्शनल है, मैथिली लिटरेचर बहुत अच्छा पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मैथिली ले लीजिए, गुजराती ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको मज़ा आना चाहिए उस लिटरेचर को पढ़ने में या फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। इतिहास, भूगोल, जबरदस्ती कोई सब्जेक्ट ले लिए, किसी ने कह दिया बहुत अच्छा है, कहने के चक्कर में ले लिए और बाद में पढ़ना तो आप ही को है, उसको तो पढ़ना नहीं है, मज़ा तो किसी और को आ रहा था, उसने आप पे दबाव डाल के बताया नहीं ये सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है। ऐसे देखा देखी में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लिया जाता। ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के आधार पर लिया जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का लेवल थोड़ा सा GS से समान अध्ययन से ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपकी विशिष्टता की जांच की जाती है, उसका स्तर थोड़ा सा ऊंचा होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है, समान अध्ययन का जो पेपर होता है वो 12th लेवल का होता है। यूपीएससी ने स्पष्ट रूप से अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, इस चीज़ को जाकर पढ़िएगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में विशिष्टता की जरूरत होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को थोड़ा डीप गहराई से आपको पढ़ने की जरूरत होती है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट समान अध्ययन से पूरी तरीके से अलग होता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट और GS एक जैसा होता है, नहीं, आपको थोड़ा सा, हाँ, समान अध्ययन का पेपर आपकी मदद करेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जरूर मदद करेगा, आपका बेस कंप्लीट हो गया होगा, वो चीजें मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। तो पहला आधार मैंने बताया रुचि, ठीक है, अरुचि कर कोई सब्जेक्ट ले लेंगे किसी का कहने सुनने में तो बाद में फिर आप झेलेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो रुचि के आधार पर चुनिए। दूसरा आधार क्या है, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लें, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में रुचियां हैं, मजा आ रहा है कि भाई 3-4 कंफ्यूज हैं, बैकग्राउंड जैसे कि आर्ट साइड वालों के साथ बहुत दिक्कत होती है, 2-3 सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन में रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा आप जाइए ग्रेजुएशन में, जो आप ग्रेजुएशन जिससे किया आपने, स्नातक जिस सब्जेक्ट से किया है, वो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि आप ठीक ठाक हैं उस सब्जेक्ट में, पढ़ने में आपको मजा आ रहा है तो उसको ले लीजिए। बीटेक वाले बच्चों के लिए सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, बाकी वहाँ पे दिए गए हैं, एक बार यूपीएससी का आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
तो अब दूसरा है कि आप ग्रेजुएशन से अपना कोई सब्जेक्ट उठा लें, ठीक है। तीसरी बात है कि अभी नहीं बात बन रही, अभी भी नहीं समझ में आ रहा कैसे ऑप्शन लें, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले में भी मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट भी नहीं समझ में आ रहा, दो तीन चीजों में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं आप कि ऑप्शनल के बारे में चिंता करना छोड़ दें, पहले पढ़े समान अध्ययन। समान अध्ययन जब पढ़ेंगे तो समान अध्ययन में बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ठीक है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी है, ऑप्शनल में भी हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, आप ले सकते हैं। तो जब आप इन्हें पढ़ रहे होंगे तो आपको किसी न किसी सब्जेक्ट में तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप ऐसा जनरल स्टडी से ही वो सब्जेक्ट उठा लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इतिहास है, इतिहास का जो समान अध्ययन का पेपर है और इतिहास का जो ऑप्शनल का पेपर है, दोनों का बुक से एक ही पढ़नी है, ज्यादा बुक्स, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ, हाँ थोड़ा सा ऑप्शनल में आपको ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे इग्नू के नोट्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ एक दो किताबें और बढ़ जाती हैं, ठीक है, वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री की जैन एंड माथुर पढ़नी पड़ेगी, तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन चीजें काफी मतलब जैसे कि अशोका का टाइम पीरियड बदल थोड़ा ना जाएगा, जो समान अध्ययन में हो यहाँ पर भी है, तो इतिहास सिमिलर हो जाता है। ज्योग्राफी के साथ भी कुछ ऐसा है, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड, लेकिन उसका ऑप्शनल अलग है, वहां पर मानव भूगोल, ठीक है, बहुत सारी चीजें अलग है उसको, आप इससे आर्थिक भूगोल, बहुत सारी चीजें अलग है उसको लेकर, वहां पे अवधारणाएं बहुत सारी चीजें बड़ी विशिष्टता लेवल की चाहिए। तो आप जब समान अध्ययन पढ़ें तो एक ऐसा ऑप्शन ले लें जो आपकी समान अध्ययन में मदद कर दे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने मैथिली लिटरेचर ले लिया, पंजाबी लिटरेचर ले लिया, समान अध्ययन में तो उनका है नहीं वेटेज, तो कोई ऐसा ऑप्शन ले लीजिए जिसका वेटेज समान अध्ययन में भी हो और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी उससे तैयारी हो जाए, ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। रुचि भी हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो और समान अध्ययन में भी उसका पोर्शन पूछा जा रहा हो। सोशियोलॉजी भारतीय समाज मेंस में लिखना है, आपने पढ़ लिया वहां से भी काम हो जाएगा। फिलॉसफी है, फिलॉसफी इथिक्स से जुड़ जाता है थोड़ा सा, समान अध्ययन का जो इथिक्स वाला पोर्शन है ना फिलॉसफी में थोड़ा बहुत आ जाता है। साइकोलॉजी वगैरह ये थोड़ा सा इधर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बात कहूंगा कि ज्यादातर आप उन्हीं सब्जेक्ट को प्रेफर करें जिनमें आपकी रुचि हो, रुचि ना हो तो ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन में भी मजा नहीं आ रहा तो समान अध्ययन आप पहले तैयार करें। समान अध्ययन पढ़ते समय जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा रुचि हो उस सब्जेक्ट को ले लें, या फिर आप उस सब्जेक्ट को लें जिसमें आपका ऑप्शनल और समान अध्ययन दोनों कवर हो जाए, एक ही सब्जेक्ट, ज्यादा मेहनत, दोहरी मेहनत ना करनी पड़े और कम से कम हो गया पढ़ने के लिए। ऐसे में नहीं तो आप समान अध्ययन के लिए अलग पढ़ रहे किताबें और ऑप्शनल के लिए तो बहुत किताबें पढ़नी होती है, इस तरह में तो फिर आप पढ़ते ही रह जाएंगे, ठीक है। ऑप्शनल के लिए आपको काफी विशिष्टता और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, यही बार बार आपसे मैं बोलूंगा कि आप अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए ज्यादा आपको पढ़ना ना पड़े ये चीज भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास समय और ऊर्जा दोनों कम है, समय भी कम है ऊर्जा भी कम है, तो हमें ऐसे पोटेंशियल इस जगह पे लगाना है जहाँ पे काम ज्यादा ना हो, ठीक है, ज्यादा वर्क ना करना पड़े, कम काम से ही काम निकल जाए, थोड़ा सा आलसी बनिए, ठीक है, आलसी आदमी बड़ा जुगाड़ू होता है, जुगाड़ से भी काम हो जाए। तो हमको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट और उसका थोड़ा सिलेबस देख लीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी वही काम करना है, पहले सिलेबस उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, सिलेबस उठा के देख लीजिए कि किसका जीएस से ज्यादा मैच करता है, जिसका जीएस से ज्यादा मैच करता है, जैसे इतिहास है, इतिहास का मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास है और मैंने इसी आधार पर लिया, मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, इतिहास मैंने इसी आधार पर लिया कि कहीं ना कहीं पे मुझको इतिहास में बड़ी सिमिलरिटी लगी, ठीक है, जो इतिहास वहां पर था वही इतिहास यहाँ पर था, तो मुझे लगा कि यदि मैं ऑप्शनल तैयार कर लेता हूँ हिस्ट्री को तो मेरा ये कवर हो जाएगा पोर्शन। तो इस तरीके से आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, किसी की देखा देखी में, किसी के कहने पर, किसी कोचिंग के रिकमेंड कर देने पर, किसी स्टूडेंट या किसी टॉपर को देख लिए कि यार ज्योग्राफी से टॉप कर गया, इकोनॉमी से टॉप कर गया, ऐसे तो मैथिली से भी बच्चे, हिंदी साहित्य से निशान जैन जी का निकला था, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर उससे हर सब्जेक्ट के से बच्चे निकलते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये कि ये आप ऑप्शनल ले लेंगे तो ज्यादा सिलेक्शन होगा, ये इरा चला गया, अब जो है अपडेटेड जो यूपीएससी का स्टाइल है इसमें हर ऑप्शनल से बच्चे निकलते हैं, कोई भी ऑप्शनल लीजिए जो यूपीएससी के साइट में नोटिफिकेशन में दिया हो। पहली बात ऑप्शनल के लिए भी वही स्ट्रेटजी आपको करनी है, यदि आपने ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, फिर उसके लिए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के से पहले सिलेबस उठाइए, दोनों का अच्छे से विश्लेषण कीजिए, फिर इसके बाद किसी संबंधित जानकार व्यक्ति से आप जो है ले लीजिए जाके बुक्स।
ठीक है, बुक्स उनसे पता करिए, किसी कोचिंग में चले जाइए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की पर्टिकुलर कोचिंग करवाता हो, उससे जाके बुक्स पूछ लीजिए। ठीक है, यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं हिस्ट्री की बता सकता हूँ आपको कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए। सोशोलॉजी में भी एक दो बुक बता दूंगा, जैसे एसके पांडे आती है, समाज का समाजशास्त्र जो है वो टाटा मैग्रा हिल प्रकाशन निकालता है। इसी तरीके से मैं कुछ बता दूंगा ज्योग्राफी के लिए, कुछ बता दूंगा आपको बुक्स। ठीक है, तो आप मुझसे आप कमेंट में बता सकते, पूछ सकते हैं, मैं जहां जहां तक जितनी मेरे पास जानकारी होगी उतना बता सकता हूं। इतिहास का मैं ऑप्शनल बता सकता हूं क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, और यूपीपीसीएस में सोशल वर्क में चैनल में पढ़ा भी रहा हूं। सोशल वर्क के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बताऊंगा, उसमें बताऊंगा क्या शेड्यूल होगा, कब से क्लासेस चलेंगी, क्या कब होगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है, वो सब चीजें होंगी। ठीक है, तो इस आधार पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन कैसे करें मैंने एक तरीका बताया आपको, अब आपके विवेक पे छोड़ता हूँ आप कैसे इसको चयन करते हैं। मैं इस बात को बार बार कहूंगा, किसी की देखा देखी में, किसी टॉपर को देख के, किसी के कहने पे ऑप्शनल का चुनाव नहीं किया जाता। ऑप्शनल बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, और ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा आप रिसर्च खुद से करें, और यदि आप पहले एक दो किताबें देख के पढ़ भी लें कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऑप्शनल के लिए हर ऑप्शन की अलग अलग किताबें, किसी ऑप्शन में ज्यादा किताबें पढ़नी, किसी में बहुत पढ़नी है। ठीक है, तो आप ऐसा ऑप्शनल लीजिए जिसमें ज्यादा बुक्स ना पढ़नी पड़े, उससे समान अध्ययन भी कवर हो जाए। सबसे अच्छी रणनीति यही है, समान अध्ययन भी कवर हो जाए और वैकल्पिक विषय भी कवर हो जाए। ठीक है, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, डबल हमें क्यों उस पर टाइम देना पड़े। तो इस तरीके से आपका समान अध्ययन का ये जो वीडियो है इसमें मैंने कवर किया। तो एक दो चीजें और बताना चाहूंगा, यूपीपीसीएस या फिर जो पीसीएस वगैरह वहां पे एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए परीक्षावाणी, ठीक है, परीक्षावाणी की एक बुक आती है, ठीक है, बौद्धिक प्रकाशन परीक्षावाणी की बुक आती है कृषि के अध्ययन के नाम से, उसको ले लीजिए। इसके अलावा जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं, हर स्टेट पीसीएस में स्टेट से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो परीक्षावाणी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेषांक निकाला है, उसे ले लीजिए, उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन के नाम से। उत्तराखंड के लिए भी निकाला है, बिहार के लिए भी निकाला, और मध्य प्रदेश के लिए भी निकाला है। तो आप इनको परीक्षावाणी से ये बुक जो है आप उठा लीजिए, काफी अच्छी बुक्स हैं स्टेट की बुक्स। ठीक है, परीक्षा और घटनाचक्र का भी है, घटनाचक्र ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संकलन किया, जो मैंने 8 वॉल्यूम बताए हैं ना उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जितना भी होलिस्टिक अप्रोच है मैंने कवर करवा दिया इसके माध्यम से। हाँ, यदि मुझसे कोई सब्जेक्ट रह गया कि भाई कोई सब्जेक्ट है जिसकी बुक्स मैंने ना बताई हो, आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं किसी वीडियो में उसको भी बता दूंगा। ठीक है, हो सकता है कोई मुझसे अभी छूट गई हो, या फिर मुझे अभी याद ना रहा हो, या जानकारी में ना हो। ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे वीडियो सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ, धन्यवाद।